नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के समीपस्थ राज्य गुजरात, महाराष्ट्र व यूपी के विधायक बड़वानी जिले की चारों विधानसभाओं में 7 दिवसीय संगठनात्मक प्रवास पर आए हुए हैं। मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि मंगलवार को अंजद मंडल में यूपी कटरा के विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने मंडल स्तरीय मूल्यांकन बैठक में हिस्सा लिया। विधायक वीर विक्रम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेजा है, मेरा काम संगठन को मजबूती प्रदान करना है। पिछली विधानसभा हम कुछ वोट के अंतर से हारे हैं, इस बार हमें प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करना है। प्रदेश और केंद्र सरकार की कई जनहितैषी व विकास की योजनाएं जमीन की धरातल पर मौजूद है, जिसे आमजनों तक लेकर जाना है। आप सभी लोग संगठन को मजबूती प्रदान करें। कमल का फूल ही हमारा विधायक, सांसद व प्रधानमंत्री है और हमें कमल के फूल के लिए एकजुट होकर कार्य करना है। ये बैठक सरकार की योजनाओं को आमजनों तक बखान करने के लिए है। वही जिला महामंत्री अजय यादव ने कहा कि हमें चुनाव कैसे लड़ना और जीतना है, इसी पर ध्यान देना है तथा हमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है। पूर्व नप अध्यक्ष राजा चौहान ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई व स्वागत भाषण नप अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती द्वारा दिया गया। इस अवसर पर यूपी के विधायक वीर विक्रम सिंह ने पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया कर्मियों, विचार परिवार, ट्रांसपोर्ट व ड्राइवर एसोसिएशन, हमवाल यूनियन, सफाई कामगार यूनियन, व्यापारी एसोसिएशन, किसान बंधु, अधिवक्ताओं, भाजपा के वरिष्ठ जनों आदि से अलग अलग बैठक आयोजित कर उनसे संवाद किया। कार्यक्रम का संचालन शरद पटेल व आभार हरिकिशन कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर जप उपाध्यक्ष नारायण सिंह मंडलोई, अंजना पटेल, संतोष बघेल, राजेंद्र भावसार, गोविंद आविल्या, शिखर चंद जैन, रामेश्वर डाबरीय, लोकेंद्र तोमर, बाबू भाई बर्फा, पुष्पा शर्मा, आरती बंसल, सुनीता सेन, संगीता जादम, पार्षद द्वय मनोज शर्मा, अशोक उपाध्याय, श्यामू सिसोदिया, अंकित खंडेलवाल, पुष्पेंद्र कुशवाहा, कमल पाटीदार, अमन सोलंकी, गणेश सोलंकी, लखन जगवा, मयंक पाटिल। 230 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में एक एक विधायक, हमारे टिब्बी जनपद के उपाध्यक्ष श्री नारायण जी मंडली एवं आज की बैठक में उपस्थित तेलंगाना, इन पांचों राज्यों में हमारे संगठन की स्थिति को जानने के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।